तो कहाँ पहुंचे थे हम लोग पहुंचे थे फॉर एवरी वीक एंटिटी सेट इट मस्ट बी एसोसिएटेड विद एन आइडेंटिफाइंग एंटिटी दैट इज वीक एंटिटी सेट टू बी एग्जिस्टेंस डिपेंडेंट. जो पिछली क्लास में नितेश दोनों ने क्वेश्चन पूछा था कि सर एग्जिस्टेंस डिपेंडेंट क्या होता है, तो एग्जिस्टेंस डिपेंडेंट हो रहा है कि वीक एंटिटी सेट जो है वो एग्जिस्टेंस डिपेंडेंट है किसके लिए, आइडेंटिफाइंग एंटिटी सेट, मतलब उसका अपना खुद का कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं है जब तक कि मैं उसको किसी किसी आइडेंटिफाइंग एंटिटी सेट से अटैच ना कर दूं. क्लियर है? सो द आइडेंटिफाइंग एंटिटी सेट और इट इज ऑल्सो नोन एज द ओनर एंटिटी सेट और इट इज ऑल्सो नोन एज द डोमिनेंट एंटिटी सेट इज सेट टू ओन द वीक एंटिटी सेट दैट इट आइडेंटिफाइज. क्लियर है? तो अगर जो आइडेंटिफाइंग एंटिटी सेट से हमने जो अटैच किया वीक एंटिटी सेट को, वो आइडेंटिफाइड एंटिटी सेट जो है वो क्या करेगा, ओन करेगा किसको, उस वीक एंटिटी सेट को. मतलब ये जो हम रख रहे हैं, ये जो 1, 2, 3 ये तीन इंस्टॉलमेंट पे किए गए, ये किसकी इंस्टॉलमेंट है, ये इंस्टॉलमेंट है L1 की. मतलब ये जो तीन जो एंटिटीज हैं इनको क्या कर रहा है, ये ओन कर रहा है. क्लियर है? सो दिस इज नोन एज ओनर एंटिटी सेट और इट इज ऑल्सो नोन एज आइडेंटिफाइंग एंटिटी सेट और इट इज ऑल्सो नोन एज डोमिनेंट एंटिटी सेट, क्योंकि ये डोमिनेट कर रहा है. क्लियर है? सो ये तीन नाम है, ओनर एंटिटी सेट, आइडेंटिफाइंग सेट एंड डोमिनेंट एंटिटी सेट, जबकि इसका जो नाम है वो क्या है, वीक एंटिटी सेट और सब ऑर्डिनेट एंटिटी सेट. क्लियर है? सो वीक एंटिटी सेट और सब ऑर्डिनेट एंटिटी सेट दिस इज, एंड दिस इज ओनर एंटिटी सेट, आइडेंटिफाइंग सेट और डोमिनेंट एंटिटी सेट. आ जाते हैं कुछ रूल्स और हैं. द रिलेशनशिप एसोसिएटिंग द वीक एंटिटी सेट विद द आइडेंटिफाइंग सेट इज कॉल्ड द आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप. सो ये जो वीक एंटिटी सेट टू ये जो आइडेंटिफाइंग एंटिटी सेट है, इसके बीच में जो ये लोन पेमेंट करके जो रिलेशनशिप सेट लिया है, दिस रिलेशनशिप सेट इज नोन एज आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप. ये देखिए आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप को हम डिनोट करते हैं डबल डायमंड बॉक्स से. ठीक है? स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट जितने भी होंगे उसको हम डिनोट करेंगे सिंगल रेक्टेंगल से, वीक एंटिटी सेट को डिनोट करेंगे हम डबल रेक्टेंगल से, और डबल किसी किसी बुक में डबल रेक्टेंगल किया, किसी किसी बुक में बोल्ड कर दिया है उसको. क्लियर है? इसको बोल्ड नहीं करता है, इसको बोल्ड कर देता है. सिमिलरली इसको वो भी बोल्ड कर देता है. क्लियर है? तो हम जो यूज कर रहे हैं, हम कोर्ट की बुक का देख रहे हैं, तो कोर्ट की बुक में ये क्या कर रहा है, ये कर रहा है डबल डायमंड और इसको कर रहा है डबल रेक्टेंगल. So weak entity set is represented by double rectangle, identifying entity set is denoted by single rectangle and identifying relationship is denoted by double diamond. Clear? So the identifying relationship is always many to one from weak entity set to this identifying entity set. मतलब ये जो weak entity sets हैं, ये many weak entities are associated to one identifying entity. So it is always many to one from weak to identifying, and it is always one to many from strong to or identifying to weak entity set. Here, and the participation of weak entity set is always total. So, क्योंकि इसको कौन ओन कर रहा है, इसको ओन कर रहा है ये. अगर कोई लोन है तो ही उसका आपने पेमेंट किया है. मतलब इसका जो यहाँ पे जितने भी इंस्टॉलमेंट आएंगे, थर्ड इंस्टॉलमेंट, फोर्थ इंस्टॉलमेंट, फिफ्थ इंस्टॉलमेंट, वो किसने किसी लोन के ही होंगे. क्लियर है? तो ये जो एंटिटी सेट है, इसका जो पार्टिसिपेशन है, वो पार्टिसिपेशन हमेशा क्या रहेगा, हमेशा रहेगा टोटल. क्लियर है? क्योंकि जो भी आप पेमेंट कर रहे हैं वो या किसने किसी लोन का ही पेमेंट कर रहे हैं. बट जो स्ट्रॉन्ग एंटिटी सॉरी जो आइडेंटिफाइंग एंटिटी सेट है, उसका पार्टिसिपेशन जो होगा वो क्या होगा, वो पार्शियल भी हो सकता है, वो टोटल भी हो सकता है. हो सकता है कि सारे के सारे लोन के लोग ईएमआई पटाने लगे, उसका पेमेंट करने लगे, पहला इंस्टॉलमेंट, सेकेंड इंस्टॉलमेंट, थर्ड इंस्टॉलमेंट, या हो सकता है कि कुछ लोन ऐसे हों जो लोग ले लें और उसका वो पे ही ना करें. क्लियर है? सो आइडेंटिफाइंग एंटिटी सेट का जो होगा वो क्या होगा, पार्शियल पार्टिसिपेशन भी हो सकता है, टोटल पार्टिसिपेशन भी हो सकता है. बट वीक एंटिटी सेट एक ऐसा एंटिटी सेट है जिसका पार्टिसिपेशन जो होगा वो हमेशा क्या होगा, टोटल पार्टिसिपेशन होगा. इसलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पे दिखा रहा है डबल लाइन. ठीक है? यहाँ पर जो है वो सिंगल लाइन है, लेकिन यहाँ पर ये डबल लाइन है. डबल लाइन क्यों है, क्योंकि ये है टोटल पार्टिसिपेशन, मतलब सारे के सारे पेमेंट किसी न किसी लोन से एसोसिएटेड हैं.
क्लियर है। आते हैं कुछ और भी रूल्स हैं, रूल्स जो हैं वो क्या है, ये एग्जांपल आप देख लीजिएगा। हाँ, रूल इज जो मैंने कहा था कि वीक एंटिटी सेट ऑलवेज हैज एन एट्रीब्यूट और सेट ऑफ रूल्स दैट अलाउज द डिस्टिंक्शन बिटवीन इट्स एंटिटी सेट्स विद इन एन आइडेंटिफाइंग एंटिटी सेट। मतलब विद इन एन आइडेंटिफाइंग सेट में क्या करता हूँ, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए कोई ना कोई एक ऐसा एट्रीब्यूट लेता हूँ, उसको हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेटर और इट इज ऑल्सो नोन एज द पार्शियल की ऑफ वीक एंटिटी सेट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जो है इस पर्टिकुलर वीक एंटिटी सेट की पार्शियल की और डिस्क्रिमिनेटर क्या है, पेमेंट नंबर। एक पर्टिकुलर लोन के एक से ज्यादा पेमेंट होंगे, 1, 2, 3, तो ये जो 1 है ये 1 रिपीट कर सकता है, लेकिन L11, L21, L31 रिपीट नहीं कर सकता। किसी एक लोन का आप एक इंस्टॉलमेंट, जो पहला इंस्टॉलमेंट है, एक ही बार पटाएंगे, पहला इंस्टॉलमेंट आप दो बार तो नहीं पटाएंगे, इसलिए उनका जो कॉम्बिनेशन है उस कॉम्बिनेशन को आप रिपीट नहीं करेंगे। सो दिस डिस्क्रिमिनेटर इज डिनोटेड बाई डैश्ड लाइन, ठीक है। जो प्राइम एट्रीब्यूट है, जो प्राइमरी की है, उसको हम क्या करते हैं, डार्क लाइन से करते हैं, यहाँ पर हम करते हैं डैश लाइन। डैश लाइन किसको डिनोट करता है, डिस्क्रिमिनेटर और इट इज ऑल्सो नोन एज द पार्शियल की, क्लियर है। नेक्स्ट रूल एक ये है कि आइडेंटिफाइंग एंटिटी सेट का कभी कोई डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट नहीं हो सकता, क्लियर है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मेंटेन करूं कि इस पर्टिकुलर लोन का ये जो इंस्टॉलमेंट मैंने पे किया है वो कौन से डेट पे किया है, तो उस पेमेंट डेट को मैं पेमेंट में डालूंगा, क्योंकि हर पेमेंट का कोई ना कोई पेमेंट डेट होगा, तो इस पर्टिकुलर एंटिटी में कभी नल वैल्यू नहीं होगी, इसलिए मैं इसको यहाँ न डाल के मैं क्या करूंगा, मैं इसको यहाँ रिप्रेजेंट करूंगा, मतलब मैं इसमें कभी भी कोई भी डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट इंसर्ट नहीं करूंगा, क्लियर है। ये रूल लिखा होगा यहाँ कहीं पर, डिस्क्रिमिनेटर वीकेंड सेट इज ऑल्सो कॉल्ड द पार्शियल की। अब पार्शियल की तो बन गई, पार्शियल की क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि प्राइमरी की ऑफ वीक एंटिटी सेट इज फॉर्म्ड बाय द प्राइमरी की ऑफ इट्स आइडेंटिफाइंग एंटिटी सेट प्लस पार्शियल की, और इट इज ऑल्सो नोन एज द डिस्क्रिमिनेटर। फॉर एग्जाम्पल जो वीक एंटिटी सेट हमारा वो क्या था, पेमेंट का जो प्राइमरी की वो क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ लोन नंबर एंड पेमेंट नंबर। तो लोन नंबर कहाँ से लाया आपने, लोन नंबर आपने लाया लोन नंबर लोन एंटिटी सेट से, और पेमेंट नंबर जो था वो उसका था पार्शियल की, या इसको बोलते हैं हम डिस्क्रिमिनेटर, क्लियर है। तो ये हमने कुछ कुछ देखा यहाँ पे रूल। रूल क्या देखा, पहला रूल ये देखा कि एक एंटिटी सेट जिसके पास सफिशियंट एट्रीब्यूट है टू फॉर्म प्राइमरी की इज नोन एज स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट, an entity set which does not have sufficient attribute to form primary key is known as weak entity set. Weak entity set का जो होता है वो existence dependence होता है किसी न किसी identifying entity set से, मतलब कोई ना कोई identifying entity set उसके साथ क्या होगा, attach रहेगा, तभी उसका existence है, otherwise कोई existence नहीं है, clear है। So this is also known as subordinate entity set, this is known as owner entity set or dominant entity set or identifying entity set, clear है। That means identifying entity set and dominant entity set. अगर मैं इस dominant entity में किसी एक entity को delete करता हूँ, suppose मैं L1 को delete करता हूँ, तो एक मिनट इसको मैं clear कर देता हूँ। अगर मैं इस L1 को क्या करता हूँ, delete करता हूँ, इस entity को अगर मैं delete करता हूँ, तो मुझे साथ में ये तीन entity भी delete करने पड़ेंगे, clear है। मतलब ये जो है dominate कर रहा है इसको, इनका जो existence है वो इनके साथ था, अगर मैंने इनको delete कर दिया तो ये तीनों भी मेरे क्या हो जाएंगे, डिलीट हो जाएंगे। सिमिलरली अगर मैं L2 को डिलीट करता हूं तो मुझे ये दोनों भी डिलीट करना पड़ेगा, क्लियर है। बट ऑन द कॉन्ट्रेरी अगर आप इसको डिलीट करते हैं, थर्ड इंस्टॉलमेंट को डिलीट करते हैं, तो इसको डिलीट करने की नेसेसरी आपके पास नहीं है, क्योंकि ये आपने जो पेमेंट किया था उसको आप क्या कर रहे हैं, रोल बैक कर रहे हैं कि मुझे अभी ये पेमेंट अभी नहीं करना है, उसको बाद में पेमेंट करना है। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, इसको रिवर्ट कर सकते हैं, इसको डिलीट कर सकते हैं, लेकिन इसको आप डिलीट नहीं कर, इसके डिलीशन पे इस पे कोई चेंजेस नहीं आएंगे, क्लियर है। दैट मींस इफ यू डिलीट अ डोमिनेंट एंटिटी ऑल द सबॉर्डिनेट एंटिटीज आर ऑटोमेटिकली डिलीटेड, बट इफ यू डिलीट अ सबॉर्डिनेट एंटिटी ऑल द डोमिनेंट एंटिटीज रिमेन्स सेम, क्लियर है, वो चेंज नहीं होंगे, क्लियर है। अब आपने वीक एंटिटी सेट बना लिया, इसको वीक एंटिटी सेट तभी बनता है जब वो किसी किसी आइडेंटिफाइंग सेट से रिलेशनशिप में रहे, उस रिलेशनशिप को हम बोलते हैं
identifying relationship. This identifying relationship is always one to many from identifying set to weak entity set, or it is also it is always many to one from weak entity set to its identifying sets. Clear? Is particular identifying entity set का कोई particular descriptive attribute नहीं होता है. Clear? Plus identifying entity set जो रहता है उसका हमेशा total भी हो सकता है, partial participation भी हो सकता है. बट वीक एंटिटी सेट का हमेशा क्या रहेगा, टोटल पार्टिसिपेशन रहेगा, पार्शियल पार्टिसिपेशन हो ही नहीं सकता क्योंकि उसका एग्जिस्टेंस है ही नहीं. बिना डोमिनेंट एंटिटी के उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है. ठीक है, अब आपने इसको किसने किसी आइडेंटिफाइंग एंटिटी सेट से अटैच कर दिया तो अब ये एक एंटिटी सेट बन गया. अब ये चाहे तो किसी और एंटिटी सेट के साथ रिलेशनशिप बना सकता है. क्लियर है, नॉर्मल रिलेशनशिप जो है वो किसी और एंटिटी सेट से वो क्या कर सकता है, इस्टेब्लिश कर सकता है. प्लस किसी एक वीक एंटिटी सेट का जरूरी नहीं है कि एक ही आइडेंटिफाइंग एंटिटी सेट है, एक से ज्यादा आइडेंटिफाइंग एंटिटी सेट हो सकते हैं. क्लियर है, तो उस केस में क्या होगा कि वीक एंटिटी सेट का अगर मैं प्राइमरी की बनाऊंगा तो क्या होगा, प्राइमरी की ऑफ ऑल द आइडेंटिफाइंग एंटिटी सेट का मैं यूनियन करूंगा, साथ ही साथ में क्या करूंगा उसके डिस्क्रिमिनेटर को मैं क्या करूंगा ऐड करूंगा. क्लियर, एक बार और रिपीट करता हूं, अगर मैं वीक एंटिटी सेट को बना रहा हूं और उसके एक से ज्यादा आइडेंटिफाइंग एंटिटी सेट्स हैं तो उसकी प्राइमरी की मैं कैसे बनाऊंगा, उसकी प्राइमरी की इज द कॉम्बिनेशन ऑफ प्राइमरी कीज ऑफ ऑल इट्स आइडेंटिफाइंग एंटिटी सेट्स प्लस डिस्क्रिमिनेटर. क्लियर है, तो यही कुछ रूल्स आपको आगे भी लिखे हुए हैं, ये पूरा रूल जो है वही है, आप देख सकते हैं इनको, पढ़ लीजिएगा. अब इसमें पूछता है डिफरेंस, तो डिफरेंस फिर से देख लेते हैं. पहला क्राइटेरिया है सफिशिएंट एट्रीब्यूट टू आइडेंटिफाई, स्ट्रॉन्ग में सफिशिएंट एट्रीब्यूट रहते हैं जबकि वीक में सफिशिएंट एट्रीब्यूट मेरे पास नहीं रहते हैं. क्लियर, इसलिए इसको बोला जाता है वीक एंटिटी सेट. सो प्राइमरी की, तो प्राइमरी की अगर मुझे बनाना है स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट का तो मैं क्या करूंगा, प्राइमरी की बनाऊंगा उस एंटिटी सेट का, प्राइम एट्रीब्यूट को ही मैं क्या करूंगा, प्राइमरी की बनाऊंगा. वेयर एज अगर मैं वीक एंटिटी सेट की बात करूं तो उसकी प्राइमरी क्या होगी, प्राइमरी की ऑफ इट्स identifying entity set plus discriminator. ठीक है, primary key of its identifying entity set और dominant entity set plus discriminator. थर्ड हो जाता है participation, तो strong entity set का total participation भी हो सकता है, partial participation भी हो सकता है, whereas weak entity set का हमेशा क्या रहेगा, total participation ही रहेगा. उसका existence तभी रहेगा जब तक वो किसने किसी strong entity set से connected या associated रहे. कार्डिनैलिटी रेशियो, सो वीक एंटी सेट का वन एंड मैनी भी हो सकता है लेकिन इसका हमेशा क्या रहेगा, मैनी रहेगा. क्लियर, ऑलवेज मैनी वीक एंटी सेट्स आर एसोसिएटेड टू वन स्ट्रॉन्ग एंटिटीज. फिर है रिप्रेजेंटेड बाई, तो इसको स्ट्रॉन्ग एंड सेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंगल रेक्टेंगल से, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम डबल रेक्टेंगल से. फिर है डिपेंडेंट ऑन अदर एंटिटी, तो ये डिपेंडेंट नहीं है जबकि इसका एग्जिस्टेंट डिपेंडेंट है डोमिनेंट एंटिटी पे. जब तक कोई डोमिनेंट एंटिटी नहीं मिलेगा तब तक मैं इसको क्या कहूंगा, नहीं बना सकता. एंड टाइप ऑफ एंटिटी, सो इट इज एन डोमिनेंट एंटिटी, इट इज आल्सो कॉल्ड एज सबऑर्डिनेट एंटिटी. सो डोमिनेंट एंटिटी इज आल्सो नोन एज पेरेंट एंटिटी और ओनर एंटिटी और आइडेंटिफाइंग एंटिटी. क्लियर, वेयर एज वीक एंटिटी इज आल्सो नोन एज सबऑर्डिनेट एंटिटी और चाइल्ड एंटिटी. क्लियर, उसके बाद आ जाते हैं गेट क्वेश्चन. रिसेंटली पूछा गया है आपका गेट 2020 में, आईआईटी दिल्ली ने जो इस पर लिया था क्वेश्चन, पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द सपोर्टिंग मेनी वन रिलेशनशिप ऑफ वीक एंटिटी सेट इन एन एंटिटी सेट रिलेशनशिप डायग्राम. मतलब जो आपका रिलेशनशिप था मेनी टू वन रिलेशनशिप जो वीक एंटिटी सेट टू आइडेंटिफाइंग एंटिटी सेट ले जाता है, जो आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप के बारे में पूछ रहा है, तो उसका रिप्रेजेंटेशन क्या होगा. उसका रिप्रेजेंटेशन होगा डायमंड विद डबल और बोल्ड बॉर्डर, रेक्टेंगल विद डबल और बोल्ड बॉर्डर, ओवल विद डबल और बोल्ड बॉर्डर, और ओवल्स दैट कंटेन अंडरलाइन आइडेंटिफायर. क्या आंसर आना चाहिए, डबल डायमंड ए आना चाहिए सर. तो ए जो है डबल डायमंड. ठीक है, डबल डायमंड रिप्रेजेंट करता है आपका आइडेंटिफाइंग एंटिटी सेट. रेक्टेंगल विद डबल बॉर्डर क्या, ये किसको डिनोट करेगा, ये डिनोट करेगा आपका वीक एंटिटी सेट को. ओवल विद डबल बॉर्डर क्या डिफाइन करता है, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट. क्लियर है, ये पढ़ा था हमने. और ओवल दैट कंटेन्स अंडरलाइन आइडेंटिफायर विल डिनोट प्राइम एट्रीब्यूट. क्लियर, और प्राइमरी की.
तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था, एक नंबर का क्वेश्चन था, बन जाना चाहिए मैं कल सबसे। उस पर आ जाते हैं स्टेप्स इन ईआर मॉडलिंग। तो अभी तक हम लोगों ने पूरा थ्योरी पढ़ लिया ईआर मॉडलिंग का, अब हम देखते हैं क्वेश्चन। ठीक है, एक क्वेश्चन हम बना के देखते हैं कि हमें कैसे फॉलो करना है अपने ईआर डायग्राम को अपने क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, सॉरी जो भी क्वेश्चन दिया रहेगा, क्वेश्चन में हमें क्या करना है, सबसे पहले निकालना है एंटिटी सेट, फिर निकालना है उनके एट्रीब्यूट, फिर निकालना है उसका प्राइम एट्रीब्यूट। प्राइम एट्रीब्यूट हम इसलिए निकाल रहे हैं ताकि मुझे पता चल पाए कि वो स्ट्रांग है या वो वीक है, क्लियर है। फिर मुझे निकालना है रिलेशनशिप बिटवीन एंटिटी सेट्स, तो उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है, वेदर इट इज वन टू वन, वेदर इट इज वन टू मैनी और वेदर इट इज मैनी टू मैनी, क्या उनका पार्टिसिपेशन है, टोटल है कि पार्शियल है, और उसके बाद कंप्लीट ईआर डायग्राम बनाना है बेस्ड ऑन दिस ऑल क्राइटेरिया, क्लियर है। अब इस पे हम देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, क्वेश्चन में बोलता है कि ड्रॉ एन ईआर मॉडल फॉर एन यूनिवर्सिटी डेटाबेस एप्लीकेशन वेयर। अब उसके बाद कुछ क्राइटेरिया दिया है, पहला बोल रहा है अ यूनिवर्सिटी हैज मेनी डिपार्टमेंट्स, सेकंड ईच डिपार्टमेंट हैज मल्टीपल इंस्ट्रक्टर्स, वन अमंग देम इज द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, थर्ड वन इज एन इंस्ट्रक्टर बिलोंग्स टू ओनली वन डिपार्टमेंट, फोर्थ वन ईच डिपार्टमेंट ऑफर्स मल्टीपल कोर्सेज ईच ऑफ विच इज टॉट बाई अ सिंगल इंस्ट्रक्टर, एंड लास्ट वन इज ए स्टूडेंट मेन रोल फॉर मेनी कोर्सेज ऑफर्ड बाई डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, क्लियर है। अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो भी क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा यूनिवर्सिटी में, आपको क्या करना है कि उस क्वेश्चन में पहले तो पढ़ना है कि किसके लिए बनाना है। तो आपको बोल रहा है ड्रॉ एन ईआर मॉडल फॉर यूनिवर्सिटी डेटाबेस एप्लीकेशन, मतलब यूनिवर्सिटी के लिए बना रहा हूं इसको, मैं एंटिटी सेट नहीं लूंगा, क्लियर है। जहां भी मेरा फॉर टर्म होगा और फॉर के बाद जो भी मेरा कीवर्ड लिखा हुआ है, जो भी नाउन सेंटेंस लिखा है, उस पर्टिकुलर नाउन के लिए मैं क्या कर रहा हूं, बना रहा हूं ईआर डायग्राम, लेकिन उसको मैं एंटिटी सेट नहीं लूंगा क्योंकि वो एक ही है, एक ही यूनिवर्सिटी के लिए बना रहा हूं मैं बहुत सारे यूनिवर्सिटी के लिए नहीं बना रहा हूं, मैं एक यूनिवर्सिटी के लिए बना रहा हूं, क्लियर है। तो मेरा जो ईआर डायग्राम में जो एंटिटी सेट होगा वो क्या होगा, यूनिवर्सिटी मेरा एंटिटी सेट नहीं होगा, क्लियर है। तो अब इसमें देखते हैं पहला स्टेप, आइडेंटिफाई द एंटिटी सेट, मतलब आपको क्या करना है, इसको पढ़ना है और पढ़ने के कौन कौन से एंटिटी सेट है उनको अपने को निकालना है। तो इसमें पढ़ के निकालते हैं, अ यूनिवर्सिटी हैज मेनी डिपार्टमेंट्स, तो पहला एंटिटी सेट आया डिपार्टमेंट, ठीक है। सेकंड आ रहा है ईच डिपार्टमेंट हैज मल्टीपल इंस्ट्रक्टर्स, तो सेकंड नाउन टर्म आया जो है वो है इंस्ट्रक्टर, तो सेकंड एंटिटी सेट आया मेरा इंस्ट्रक्टर, वन अमंग देम इज द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, तो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट मेरा एंटिटी सेट नहीं रहेगा, इट इज एन रिलेशनशिप, ठीक है। फिर आ जाते हैं एन इंस्ट्रक्टर बिलोंग्स टू ओनली वन डिपार्टमेंट, तो इंस्ट्रक्टर डिपार्टमेंट पहले ही निकाल लिया हमने, ये रिलेशनशिप दिया इनके बीच में। फिर बोल रहा है ईच डिपार्टमेंट ऑफर्स मल्टीपल कोर्सेज, तो ये नेक्स्ट टर्म आ गया हमारा कोर्सेज का, कोर्स, तो नेक्स्ट एंटिटी सेट आ जाएगा कोर्स, ईच ऑफ विच इज टॉट बाय अ सिंगल इंस्ट्रक्टर, तो ये आपको रिलेशनशिप दिया है कि क्या रिलेशनशिप है इसमें। फिर है अ स्टूडेंट, तो स्टूडेंट आया मतलब एक और एंटिटी सेट आ गया हमारा स्टूडेंट, क्लियर है। सो नेक्स्ट एंटिटी सेट इज स्टूडेंट, सो अ स्टूडेंट मे इनरोल फॉर मैनी कोर्सेज ऑफर्ड बाय डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, तो ये जो है इनरोल ऑफर्ड ये सब क्या है हमारा। तो देखते हैं फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन आइडेंटिफाई द एंटिटी सेट्स, क्या क्या निकाला, डिपार्टमेंट, कोर्स, इंस्ट्रक्टर एंड स्टूडेंट, एंड हेड ऑफ द डिपार्टमेंट इज नॉट एन एंटिटी सेट, इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन इंस्ट्रक्टर एंड डिपार्टमेंट, क्लियर है। तो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को हम कभी भी एंटिटी सेट नहीं लेंगे। सेकेंड आ जाते हैं आइडेंटिफाई द रिलेवेंट एट्रीब्यूट्स। अब कई बार क्या होता है क्वेश्चन में ही आपको एट्रीब्यूट दे देता है कि ये पर्टिकुलर एंटिटी सेट्स हैं, ये पर्टिकुलर एट्रीब्यूट्स हैं, अगर दिया है तो वही एट्रीब्यूट हमें लेना है, और अगर नहीं दिया है सो यू कैन एज्यूम 3 to 4 एट्रीब्यूट्स ऑफ देयर ओन, मतलब जो भी एंटिटी सेट्स हमने लिए हैं उनके कुछ 3-4 एट्रीब्यूट आपको सोच लेने हैं कि ये एट्रीब्यूट्स उसके हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल डिपार्टमेंट के लिए हमने लिया है डिपार्टमेंट नंबर, डिपार्टमेंट नेम, लोकेशन ऑफ द डिपार्टमेंट, फॉर द कोर्स एंटिटी सेट द रिलेवेंट एट्रीब्यूट्स आर कोर्स नंबर, कोर्स नेम, ड्यूरेशन एंड प्री रिक्विजिट्स। इंस्ट्रक्टर के लिए हमने लिया इंस्ट्रक्टर आईडी, इंस्ट्रक्टर नेम, रूम नंबर, मतलब किस रूम में वो मिलेंगे हमें, टेलीफोन नंबर, किस पर्टिकुलर टेलीफोन नंबर पे हमें वो मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वन इज द स्टूडेंट एंटिटी सेट, द रिलेवेंट एट्रीब्यूट्स आर स्टूडेंट नंबर, स्टूडेंट नेम एंड डेट ऑफ बर्थ ऑफ द स्टूडेंट, क्लियर है। तो ये हमने क्या किया, कुछ
रिलेवेंट एट्रीब्यूट्स हमने निकाले हर एंटिटी के। उसके बाद नेक्स्ट टर्म है आइडेंटिफाई द प्राइम और की एट्रीब्यूट, जो हमें डिफाइन करता है कि ये पर्टिकुलर एंटिटी सेट मेरा जो है वो सबऑर्डिनेट एंटिटी है, वीक एंटिटी है, या फिर डोमिनेंट एंटिटी है या स्ट्रॉन्ग एंटिटी है। सो डिपार्टमेंट नंबर इज द की एट्रीब्यूट फॉर डिपार्टमेंट। तो हर डिपार्टमेंट का कोई ना कोई क्या होगा, यूनिक डिपार्टमेंट नंबर होगा, ये स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट हो गया। सिमिलरली कोर्स के लिए हमारे पास क्या है, कोर्स नंबर है। इंस्ट्रक्टर के लिए हमारे पास इंस्ट्रक्टर आईडी है। स्टूडेंट के लिए हमारे पास स्टूडेंट नंबर है। तो मतलब मेरे चारों के चारों एंटिटी क्या है, सारे के सारे मेरे जो है वो है स्ट्रॉन्ग एंटिटी, ठीक है। एक भी मेरा क्या है, वीक एंटिटी सेट नहीं है। तो थर्ड हमने निकाल लिया आइडेंटिफाई द प्राइम एट्रीब्यूट और इट इज ऑल्सो नोन एज द की एट्रीब्यूट। फिर अब निकालते हैं हम रिलेशनशिप। सो रिलेशनशिप के लिए हमें फिर से क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि यूनिवर्सिटी हैज मैनी डिपार्टमेंट्स। तो इसमें कोई रिलेशनशिप नहीं है क्योंकि ये एंटिटी है ही नहीं मेरा, एंटिटी जो है मेरा वो क्या है, डिपार्टमेंट। और मैनी डिपार्टमेंट्स बोल रहा है इसलिए उसको हम क्या कर रहे हैं, डिपार्टमेंट को एक एंटिटी सेट्स ले रहा हूँ, एक एंटिटी सेट ले रहा हूँ कि उसके अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट उनके इंडिविजुअल एक्सटेंशन हो जाएंगे, इंडिविजुअल एंटिटीज हो जाएंगे उस पर्टिकुलर एंटिटी सेट के। क्लियर है। सेकेंड लाइन पढ़ते हैं। सेकेंड लाइन इज ईच डिपार्टमेंट हैज मल्टीपल इंस्ट्रक्टर। तो रिलेशनशिप आई डिपार्टमेंट टू इंस्ट्रक्टर। यहाँ देखिए ईच डिपार्टमेंट हैज मल्टीपल इंस्ट्रक्टर्स। तो डिपार्टमेंट टू इंस्ट्रक्टर इट इज वन टू मैनी और एन इंस्ट्रक्टर बिलोंग्स टू ओनली वन डिपार्टमेंट। तो इंस्ट्रक्टर जो है वो एक ही डिपार्टमेंट को बिलोंग करता है। सो इट इज वन टू वन फ्रॉम इंस्ट्रक्टर टू डिपार्टमेंट। सो इट इज ओवरऑल वन टू मैनी फ्रॉम डिपार्टमेंट टू इंस्ट्रक्टर। क्लियर है। पहली रिलेशनशिप मिली डिपार्टमेंट हैज इंस्ट्रक्टर, ईच डिपार्टमेंट हैज मल्टीपल इंस्ट्रक्टर, एक डिपार्टमेंट के एक से ज्यादा इंस्ट्रक्टर है और एक इंस्ट्रक्टर जो है एक ही डिपार्टमेंट को बिलोंग करता है। सेकेंड देखते हैं, ईच डिपार्टमेंट हैज मल्टीपल इंस्ट्रक्टर, वन अमंग देम इज द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। मतलब सेकेंड रिलेशनशिप भी आई इन्हीं दोनों एंटिटी सेट्स के बीच में कि एक डिपार्टमेंट का एक हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होगा, तो हेडेड बाई करके एक आया हमारा रिलेशनशिप। क्लियर है कि एक डिपार्टमेंट में एक इंस्ट्रक्टर ऐसा है जो उसको हेड कर रहा है, प्लस एक इंस्ट्रक्टर एक ही डिपार्टमेंट को बिलोंग कर सकता है, वो हम पहले ही देख लें, इंस्ट्रक्टर बिलोंग्स टू ओनली वन डिपार्टमेंट। सो इट इज वन टू वन फ्रॉम बोथ द साइड। डिपार्टमेंट हैज वन हेड ऑफ द डिपार्टमेंट एंड वन इंस्ट्रक्टर बिलोंग्स टू ओनली वन डिपार्टमेंट। क्लियर है। सो इट इज वन टू वन फ्रॉम बोथ द साइड। फिर आ जाते हैं, ईच डिपार्टमेंट ऑफर्स मल्टीपल कोर्सेस। सो अगेन आया डिपार्टमेंट ऑफर्स कोर्स। एक डिपार्टमेंट कितने कोर्सेस को ऑफर कर रहा है, मैनी कोर्सेस, तो वन टू मैनी फ्रॉम डिपार्टमेंट टू कोर्स। और एक कोर्स जो है एक से ज्यादा डिपार्टमेंट ऑफर कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि स्टूडेंट मे एनरोल फॉर मैनी कोर्सेस ऑफर्ड बाई डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। मतलब एक कोर्स जो है वो एक से ज्यादा डिपार्टमेंट भी ऑफर कर सकता है। सो इट इज वन टू मैनी फ्रॉम कोर्स टू डिपार्टमेंट। सो ओवरऑल इट इज मैनी टू मैनी, ठीक है, मैनी टू मैनी फ्रॉम बोथ दी साइड्स। एक डिपार्टमेंट में एक से ज्यादा कोर्सेस हैं, एक कोर्स एक से ज्यादा डिपार्टमेंट ऑफर कर सकता है। फोर्थ देखते हैं, ईच डिपार्टमेंट ऑफर्स मल्टीपल कोर्सेज ईच ऑफ विच इज टॉट बाई ए सिंगल इंस्ट्रक्टर। तो मतलब आपको क्या दिया, कोर्स और इंस्ट्रक्टर में दिया है कि एक कोर्स को कौन कितने इंस्ट्रक्टर टीच कर रहे हैं, एक ही इंस्ट्रक्टर टीच कर रहा है, बट एक इंस्ट्रक्टर एक से ज्यादा कोर्सेज को टीच कर सकता है, ये आपको एज्यूम करना है क्योंकि ये दिया नहीं है। क्लियर है। ये आप वन टू वन भी एज्यूम कर सकते हैं, वन टू मैनी भी एज्यूम कर सकते हैं। तो जनरली हम यूज करते हैं वन टू मैनी, क्योंकि एक इंस्ट्रक्टर एक ही कोर्स तो नहीं पढ़ाएगा, एक इंस्ट्रक्टर एक से ज्यादा कोर्सेज पढ़ा सकता है। लेकिन इस क्वेश्चन में लिखा है कि ईच ऑफ विच इज टॉट बाई ए सिंगल इंस्ट्रक्टर, मतलब एक कोर्स जो है वो एक ही इंस्ट्रक्टर पढ़ाएगा। तो कोर्स टू इंस्ट्रक्टर इट इज वन टू वन एंड इंस्ट्रक्टर टू कोर्स वी एज्यूम इट एज वन टू मैनी। सो इट इज वन टू मैनी फ्रॉम इंस्ट्रक्टर टू कोर्स। क्लियर है। ये हमने क्या किया, एज्यूम किया। लास्ट देखते हैं, अ स्टूडेंट में एनरोल फॉर मैनी कोर्सेज ऑफर्ड बाई डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। तो अब स्टूडेंट और किसमें बोल रहा है, कोर्सेज में बोल रहा है। तो स्टूडेंट में एनरोल फॉर मैनी कोर्सेज, तो एक स्टूडेंट एक से ज्यादा कोर्सेज और एक कोर्स में एक से ज्यादा
स्टूडेंट्स होंगे ये हम एज्यूम करते हैं, क्योंकि एक कोर्स में एक ही स्टूडेंट पढ़ेगा ऐसा तो हो नहीं सकता, ठीक है। तो एक कोर्स में एक से ज्यादा स्टूडेंट होंगे, ये कॉमन सेंस की बात है। तो यहाँ पर भी आपका मैनी हो गया, यहाँ पर भी आपका मैनी हो गया, सो इट इज मैनी टू मैनी, मैनी टू मैनी फ्रॉम बोथ दी साइड्स। दैट मीन्स अ स्टूडेंट मे एनरोल फॉर मैनी कोर्सेज एंड अ कोर्स इज एनरोल्ड बाय मैनी स्टूडेंट्स। क्लियर है? अब ये हो गए हमारे सारे रिलेशनशिप्स। अब उसके बाद हमें क्या करना है, कंप्लीट ईआर डायग्राम बनाना है, जिसमें हमें क्या करना है, हमें एंटिटी सेट्स को भी बनाना है। दिस फोर आर एंटिटी सेट्स, और फिर उनके बीच में जो रिलेशनशिप्स हमने निकाली डिपार्टमेंट ऑफर्स कोर्स, डिपार्टमेंट हैज इंस्ट्रक्टर, डिपार्टमेंट हेडेड बाय इंस्ट्रक्टर। तो ये सब कार्डिनलिटी रेशियो के साथ हमने क्या किया है, अटैच किया हुआ है। प्लस साथ ही साथ हमें क्या करना है, सारे के सारे एट्रीब्यूट से हमें क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। तो ये जो एट्रीब्यूट देखिए यहाँ पे मैं जो रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये सारे एट्रीब्यूट में देखिए जहाँ जहाँ प्राइम एट्रीब्यूट है मैंने क्या किया है, वहाँ पर अंडरलाइन किया है। तो यहाँ जैसे स्टूडेंट में स्टूडेंट नंबर इस प्राइम एट्रीब्यूट, कोर्स के लिए मैंने कोर्स नंबर को प्राइम एट्रीब्यूट बनाया है, डिपार्टमेंट के लिए डिपार्टमेंट नंबर को प्राइम एट्रीब्यूट बनाया है, और इंस्ट्रक्टर के मैंने इंस्ट्रक्टर आईडी को प्राइम एट्रीब्यूट बनाया है। तो ये सारे के सारे क्या है, हमें आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं कम्प्लीटली। तो जो भी क्वेश्चन आपको दिया जाए यूनिवर्सिटी एग्जाम में, ठीक है, यूनिवर्सिटी पेपर में आपको जो भी क्वेश्चन दिया जाए, आपको क्या करना है, पहले क्वेश्चन को पूरा पढ़ना है। क्वेश्चन को पढ़ के आपको सबसे पहले क्या करना है, एंटिटी सेट्स निकालने हैं। सेकंड आपको क्या करना है, उसके एट्रीब्यूट्स निकालने हैं कि क्या एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं उस पर्टिकुलर एंटिटी सेट के। फिर थर्ड आपको निकालना है कि प्राइम एट्रीब्यूट क्या क्या हो सकते हैं उसके। अगर किसी में प्राइम एट्रीब्यूट नहीं है तो आप डिनोट करेंगे दैट इज एन वीक एंटिटी सेट। आगे चल के हम ऐसे क्वेश्चन देखेंगे जिसमें वीक एंटिटी सेट होगा, ठीक है। उसके बाद हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट एंटिटी सेट्स। तो जो भी एंटिटी सेट्स हैं उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है, ठीक है। और फिर वेदर इट इज वन टू मैनी, वेदर इट इज मैनी टू मैनी, वेदर इट इज मैनी टू वन रिलेशनशिप, और उनका टोटल पार्टिसिपेशन, पार्शियल पार्टिसिपेशन हमें यहाँ पे क्या करना, कंसिडर करना चाहिए। तो यहाँ मैंने सभी का क्या लिखा है, पार्शियल पार्टिसिपेशन किया है, ठीक है। तो जहाँ पे टोटल पार्टिसिपेशन होगा वो आपको कॉमन सेंस लगाना है, उसको आपको क्या करना है, लगाना है इसमें, ठीक है। तो ये कंप्लीट ईआर डायग्राम आप क्वेश्चन पढ़ते ही आकर आप सिंपल ईआर डायग्राम बना देते हैं कंप्लीट, तो आपको जो है 7 out of 7 नहीं मिलेगा, या आपको 5 out of 7 मिल सकता है अगर आपका ईआर डायग्राम एग्जाम करेक्ट है तो। अगर आपको 7 out of 7 चाहिए तो आप क्या करेंगे, आप बनाएंगे पहले एंटिटी सेट, फिर उनके एट्रीब्यूट, फिर उनके प्राइम एट्रीब्यूट, फिर उनके बीच में रिलेशनशिप, और फिर उनका आप कंप्लीट ईआर डायग्राम। क्लियर है? कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन मिलता है हमें और क्वेश्चन के बाद हम क्वेश्चन बना नहीं पाते हैं, हमें ईआर डायग्राम ज़्यादा नहीं पता है। तो आप क्या करेंगे, जो स्टेप्स हैं स्टेप्स में आप करेंगे, तो स्टेप मार्किंग में भी आपको हो सकता है कि आपको ईआर डायग्राम गलत भी हो, तब भी आपको 3 से 4 नंबर मिल जाए। सो बेटर है कि वो 3 से 4 नंबर आपको साथ में मिल जाए ताकि आप पास हो सकें या अच्छे मार्क्स ला सकें। क्लियर? तो अगर अच्छे मार्क्स लाने हैं तो आपको एक एक स्टेप करना पड़ेगा 7 out of 7 लाने के लिए। क्लियर है? तो ये जो है यूनिवर्सिटी क्वेश्चंस हैं आज के। इसमें पूछा जाता है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन वीक एंड सेट एंड स्ट्रॉन्ग एंड सेट और डिफरेंस बिटवीन वीक एंड सेट एंड स्ट्रॉन्ग एंड सेट। क्लियर है? ये दो मैंने अपने हिसाब से डाले हैं, ये आ सकता है आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में। आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप क्या होता है, आइडेंटिफाइंग एंटिटी सेट क्या होता है, साथ ही साथ आपको ये पूछ सकता है कि व्हाट इज द डिस्क्रिमिनेटर, व्हाट इज द पार्शियल की। पार्शियल की एक बार पूछा गया है यूनिवर्सिटी एग्जाम में कि व्हाट इज पार्शियल की 2 नंबर में। ठीक, जो आपके पैटर्न है उसमें 2-7-7 का पैटर्न है, तो उसमें 2 नंबर में पार्शियल की क्या क्वेश्चन पूछा गया है। क्लियर है? सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। अब आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, एनी डाउट्स।